केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब एक्साइज एंड टैक्स सेक्शन विभाग के 10 अधिकारियों को दिल्ली तलब किया। उन्हें बयान दर्ज करवाने के लिए दिल्ली बुला लिया है। यह वही मामला है जिसमें दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। यह समन दिल्ली में सीबीआई के अतिरिक्त एसपी राजीव कुमार द्वारा जारी किए गए हैं। समन में पंजाब के 10 अधिकारियों को अपने बयान दर्ज कराने के लिए सोमवार और मंगलवार को राजधानी में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। आईपीसी की धारा 160 के तहत जारी समन एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के मुख्य कार्यालय के माध्यम से यह भेजा गया है। गौरतलब है कि ईडी पहले ही दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले में 3 अधिकारियों से पूछताछ कर चुका है, जिसमें फाइनेंशियल कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन केपीपी सिन्हा का नाम भी शामिल है। तो वहीं भटिंडा से अकाली दल की सांसद व बादल परिवार की बहू हरसिमरत कौर बादल ने 3 अगस्त को संसद में पंजाब की एक्साइज पॉलिसी पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने सदन में इस पॉलिसी को दिल्ली में जांच की जा रही पॉलिसी के समान बताया था। सांसद हरसिमरत ने सदन में कहा था, यह पॉलिसी कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने व पैसा वापस आम आदमी पार्टी के पास पहुंचाने के लिए तैयार की गई है। संसद में बहस के दौरान हरसिमरत बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब में कथित शराब घोटाले की जांच करने की मांग की थी। साथ ही दावा किया था कि इससे राज्य के खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ है। गृह मंत्री के कहने के बाद उन्होंने इस संबंध में एक रिप्रेजेंटेशन भी दी थी। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी केंद्रीय मंत्रालय को ज्ञापन भेजकर पंजाब की एक्साइज पॉलिसी की जांच की मांग की थी। इसी के अलावा कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी इस संबंध में पंजाब के राज्यपाल और केंद्र सरकार को पत्र लिख जांच की मांग रखी थी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।